हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी ऑडिटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फॉरेन रजिस्टर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, वेयर अ कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स टू कीप अ रजिस्टर्स ऑफ मेंबरशिप इन मैनी स्टेट और कंपनी आउटसाइड इंडिया इट मे कीप। ठीक है, जब क्या होता है, कंपनी अपनी शेयर्स क्या करती है आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर क्या करती है, इशू करती है, तब हम क्या करते हैं, आर रजिस्टर्ड मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, कैसे, मैं सच रजिस्टर्स इन दैट स्टेट और कंट्री। ठीक है, तो उस स्टेट या उस कंट्री का रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है, सच अ रजिस्टर इज कॉल्ड फॉरेन रजिस्टर्स। तो अगर हम लोग उस स्टेट या उस कंट्री का रजिस्टर तैयार करते हैं, तो उसी रजिस्टर्स को हम लोग फॉरेन रजिस्टर कहते हैं। सच अ फॉरेन रजिस्टर्स विल कंटेन ओनली द नेम ऑफ द मेंबर्स रेसिडेंट इन द ओरिजिन स्टेट्स और कंट्री। ठीक है, उस रजिस्टर्स में कुछ नहीं होता, बस उस फॉरेनर का नाम होता है, उसके मेंबरशिप का नेम, मतलब जिस नाम से वो मेंबरशिप लिया उसका नेम होता है, वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है बस उसका नाम होता है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।